हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोन के एडिक्शन से कैसे दूर रह सकते हैं। फ़ोन ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हम लोगों के बीच में तनाव बहुत बढ़ जाता है, टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और हमारा किसी भी काम करने में मन नहीं लगता। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और 100% आप अपना फ़ोन यूज़ करना कम कर देंगे। हम लोगों की आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा बदल चुकी है। आजकल हम दिन में 20-20 बार तक अपना फ़ोन चेक करते हैं और सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो। हम पूरे पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं कि क्या क्या नया नया कंटेंट आया है। हम इतना पागल हो चुके हैं फ़ोन के पीछे कि अगर 2 मिनट भी हमारा फ़ोन हमारे हाथ में ना रहे या हमें मिले ना, तो हम पागल से हो जाते हैं। मतलब आजकल हमारा यही काम रह चुका है कि हम सुबह उठें, उठते साथ ही फ़ोन चलाएं और देखें नोटिफिकेशन क्या क्या आई है और रात सोने तक हम फ़ोन चलाते रहें। चाहे हम कोई भी काम कर रहे हों, हमारे हाथ में फ़ोन हमेशा होता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने फ़ोन के एडिक्शन से कैसे दूर हो सकते हैं और कैसे एक नई ज़िंदगी पा सकते हैं। देखिए, हमारी जब शुरुआत होती है दिन की, तो सबसे पहले हम अपना फ़ोन उठा के उसे यूज़ करने लग जाते हैं। तो पहले तो आप उस आदत को बदलिए। उस आदत को बदलने का एक तरीका है कि आप एक अलार्म क्लॉक खरीद लें। एक बढ़िया सी अलार्म क्लॉक खरीदें जो कि बहुत तेज़ आवाज़ की हो। वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आप एक ऐसी अलार्म क्लॉक खरीदें और अपने फ़ोन में अलार्म कभी भी ना लगाएं। अपना फ़ोन अपने से दूर रखें, मतलब कमरे के दूसरे कोने में जाकर रखें और उसको चार्जिंग पर लगा दें। और अगर इन केस आप अलार्म क्लॉक नहीं खरीद सकते अभी, अपने फ़ोन पर ही अलार्म लगाएं, लेकिन फ़ोन अपना पास में रख के ना सोएं। फ़ोन को रूम के किसी दूसरे कोने में लगा दें और वहाँ पर अलार्म बजेगा तो आप उठ के जब फ़ोन तक जाओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आप फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। दूसरा इसमें तरीका है ग्रे स्केल मोड। ग्रे स्केल मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें कि फ़ोन आपका ब्लैक एंड वाइट हो जाता है और आपका ज़्यादा मन नहीं करता फ़ोन को यूज़ करने का, क्योंकि उसमें कोई कलर्स नहीं दिखते। ये मोड का आप फ़ायदा तब उठा सकते हो जबकि आप कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहे हो और आपने आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते उस काम से, तो इस मोड को अपने फ़ोन में ऑन कर दीजिए, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तीसरा तरीका है जानलेवा बीमारी से बचने का कि आप अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर दें। आजकल बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं ऐसी जिनसे आप बंद कर सकते हैं सारे के सारे नोटिफिकेशन कुछ देर के लिए या फिर परमानेंटली। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि फालतू जितनी भी ऐप्स हैं उन सब का नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। जितने भी फालतू के व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हंसी मजाक वाले, कजन्स वाले, कोई से भी, सबका नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। आप तभी अपना व्हाट्सएप खोलें जब आपका मन करे देखने का वो सब। आप किसी नोटिफिकेशन के स्लेव मत बनिए, मतलब कोई भी नोटिफिकेशन आपको डिस्टर्ब ना कर पाए इसलिए अपने नोटिफिकेशंस को कर दीजिए बंद। कुछ कुछ ज़रूरी ऐप्स का ही नोटिफिकेशन खोल के रखिए। आप फ़ोन के यूजेज को कम करने के लिए एक और चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने फ़ोन में जो फिंगरप्रिंट पासवर्ड आ चुके हैं आजकल फ़ोन्स में, उसको डिसेबल कर दीजिए और फ़ोन में टाइपिंग वाला पासवर्ड रखिए। और पासवर्ड भी ना लंबा चौड़ा रखिए कि जिसमें आपका टाइप करने में टाइम वेस्ट हो और आपका कई बार माइंड स्किप कर जाए कि यार चलो छोड़ो अभी नहीं यूज़ करता मैं। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है चीज़ अगर आप इसको ट्राई करेंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप अपने आप को फोर्स कर दीजिए कि ठीक है, अगर मैं सोशल मीडिया यूज़ करूँगा तो मैं इस घंटे यूज़ करूँगा, सिर्फ 1 घंटा निकाल दीजिए कि मैं इस 1 घंटे में सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, फेसबुक वगैरह जो भी मुझे देखना है, लेकिन मैं फ़ोन में नहीं देखूँगा वो सब। मैं वो सब देखूँगा अपने कंप्यूटर पीसी पे। तो उससे आपको बार बार नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आपको एक टास्क की तरह उसे करना पड़ेगा, तो हो सकता है आप अपना फ़ोन बहुत कम यूज़ करें। अब सबसे लास्ट में सबसे मुश्किल चीज़ है, इसको आप ट्राई कर सकते हो लेकिन आप कर नहीं पाओगे, हो सकता है, लेकिन आप ज़रूर इस चीज़ को एक बार ट्राई दें। आप अपने फ़ोन के बिना भी कभी कभी घर से बाहर निकलिए। हाँ, आप डर चुके होंगे अब तक क्योंकि आप तो 2 मिनट भी फ़ोन के बिना रह नहीं पाते हो, आप कैसे बिना फ़ोन के घर के बाहर जाओगे। तो आप क्या करो, छोटी छोटी चीज़ों में ट्राई करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब्जी लेने बाहर जाना है तो आप फ़ोन को घर पे छोड़ के जाओ। अगर आपको जिम जाना है तो फ़ोन को घर पे छोड़ के जाओ। आपको कोई भी ऐसा काम करना है जो कि आसपास में हो सकता है तो उसमें अपना फ़ोन यूज़ मत करिए और नेचर से कनेक्ट होइए और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये सारी की सारी टिप्स आपके काम की हुई होंगी और आपको इन टिप्स से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।